हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। सो किड्स, आप अपने आसपास की प्लेसेस को तो जान ही चुके हैं जहां हम किसी ना किसी पर्पस से जाते हैं, यानी कि ये सब हमारी किसी ना किसी तरह से हेल्प करने के लिए बने हैं या फिर हमारे पर्पस को पूरा करने के लिए बने हैं। तो आज हम चेक करेंगे कि आप इन प्लेसेस को पहचान पाते हैं या नहीं। तो मैं आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस और आपको देने हैं उनके आंसर, वो भी अच्छे से सोच कर। तो स्टार्ट करें। गुड। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए उस प्लेस का नेम जहां पर हम अपनी जरूरत की चीजों को खरीदते हैं और बदले में शॉपकीपर यानी कि जो हमें चीजों को बेचते हैं हम उन्हें मनी देते हैं। तो बताइए कौन सा प्लेस है ये? राइट, ये प्लेस कहलाता है मार्केट यानी कि बाजार। अब बताइए उस प्लेस का नाम जहां हम हमारी एजुकेशन के लिए जाते हैं, जहां टीचर्स होते हैं जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो क्या है उस जगह का नाम? यस, वो है स्कूल। जाते हैं ना हम डेली, बट आजकल आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। ओके, बताइए वो कौन सी प्लेस है जहाँ पर फ्लावर्स लगाए जाते हैं, ट्रीज भी लगाए जाते हैं, जहाँ पर फ्रेश एयर लेने भी आप जाते हैं? यस, वो होता है गार्डन यानी कि उपवन। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस प्लेस का नाम जहाँ पर हम हमारे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जहाँ डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं और ये हमें ठीक कर देते हैं, हमारी बीमारियों को क्योर कर देते हैं? यस, वो प्लेस होता है हॉस्पिटल। अब बताइए इस प्लेस का नाम जहाँ हम खेलने कूदने जाते हैं, साथ ही जहाँ हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम करते हैं। यस, वो प्लेस होता है प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान। ओके, बताइए उस जगह का नाम जहाँ हम अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में और ज़रूरत पड़ने पर हम ये मनी वहाँ से निकलवा भी सकते हैं। तो पहचानिए कौन सी प्लेस है वो? यस, यू आर करेक्ट, वो होता है बैंक। ओके, अब बताइए ऐसे प्लेस का नाम जहां पर पुलिस भी होती है, जेल भी होती है और पुलिस क्रिमिनल्स यानी कि गलत काम करने वाले लोगों को जेल में डाल देते हैं। तो कौन सा प्लेस होता है वो? यस, वो होता है पुलिस स्टेशन। अब पहचानिए उस प्लेस को जहां से सभी एरोप्लेन टेक ऑफ करते हैं, लैंड भी करते हैं यानी कि यहीं से एरोप्लेन्स उड़ान भरते हैं और यहां पर ही आकर के पैसेंजर्स को उतारते हैं। तो कौन सी जगह होती है वो? यस, वो जगह होती है एयरपोर्ट। ओके, अब बताइए उस प्लेस का नाम जहाँ पर सभी एथलीट्स यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन अपने स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, अपने स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं। यस, वो होती है स्टेडियम। और वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर सभी ट्रेन्स आती है, पैसेंजर्स को बिठाती है और उन्हें उनके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँचा देती है? यस, वो होता है रेलवे स्टेशन। ओके, क्या आप बता सकते हैं उस प्लेस का नाम जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को रखा जाता है, उनका ध्यान भी रखा जाता है, जहाँ हम वाइल्ड एनिमल्स को सेफली देख सकते हैं? यस, वो होता है जू यानी कि चिड़ियाघर। वेरी नाइस, आपको सभी आंसर्स आते हैं। ओके, अब मुझे बताइए ऐसे प्लेस का नाम जहां हमें मल्टीपल फैसिलिटीज़ एक ही जगह मिलती है,
जहाँ पर हम हर तरह की शॉपिंग एक ही जगह पर करते हैं, जहाँ मूवी थिएटर भी होता है, किड्स के लिए प्ले स्टेशन भी होता है। पहचानिए कौन सी जगह है वो। यस, वो होता है मॉल। अब पहचानिए उस प्लेस को जहाँ हम हमारी व्हीकल में पेट्रोल डीजल परचेज करके डलवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे होता है खूब सारा पेट्रोल यानी कि फ्यूल्स। बहुत से प्लेसेस जहाँ पे हमें सीएनजी भी मिलती है, डीजल भी मिलता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमें हमारी व्हीकल्स के लिए फ्यूल मिलता है। यस, वो होता है पेट्रोल पंप। ओके, अब बताइए कौन सी जगह होती है जहाँ पे सारी बसेस खड़ी होती है, हमें जहाँ जाना होता है हम उस शहर वाली बस का टिकट परचेज करते हैं और बैठ जाते हैं। यस, वो होता है बस स्टैंड। अब लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए ऐसी जगह का नाम जहाँ पे बड़े बड़े शिप खड़े होते हैं, और यही शिप जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं तो उन सामान को इसी प्लेस पे उतारा जाता है। यस, वो होते हैं पोर्ट्स। सो आप सभी प्लेसेस को पहचानने लगे हैं, उनका क्या पर्पस होता है वो भी आपको पता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।